not in the village. So, to mera nahi hai. मेरा फोटो नहीं लेना यार प्लीज रिगार्डिंग सम मूवमेंट एंड ऑन द रिसीप्ट ऑफ व्हिच हमारी यहाँ पे ऑपरेशन की पार्टीज अलोंग विद डीएसपी ऑप्स एसडीपीओ मेंढर देन डीएसपी डीआर and those parties were headed by additional SP and DSP headquarter Poonch. Sab logon ne different cutoff points par apne apne naake lagaye and in association with six sector RR jisme different units unki hamare sath kaam kar rahi thi and later on the specific info aur party headed by DSP ops and DSP Suranpur jo Jadawali mein thi and with the party of 25 RR six sector उन्होंने एक टवेरा गाड़ी को वहाँ पर इंटरसेप्ट किया जिसमें से दो बंदे जो कश्मीर बेस्ड हैं आकिब अहमद सन ऑफ बशीर अहमद रेजिडेंट ऑफ कदरमो पुलवामा ने शबीर अहमद डार सन ऑफ गुलाम मोहिद्दीन डार रेजिडेंट ऑफ नामन काकापुरा ये जो मिलिटेंट एसोसिएट्स हैं ये वहाँ पे पकड़े गए हैं और वहीं पर उनकी फर्दर जो इंट्रोगेशन हुई एंड इंट्रोगेशन के फर्दर हमने वहाँ पर दो AK-56 राइफल्स जो वर्केबल कंडीशन में है ठीक ठाक से और उनके पास है दो मैगजीन्स 60 राउंड्स एंड लेटर ऑन के कन्फेशन पर ही जो उन्होंने अपनी गाड़ी में एक जगह बनाई हुई थी वहां से हमने लगभग 4 ग्रेनेड्स जो है रिकवर किए हुए हैं तो इस रिगार्ड में FIR नंबर 82/2018 गुरसाई पुलिस स्टेशन जो सब डिवीजन मेंढर का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर FIR रजिस्टर्ड है और इसकी तफ्तीश जो है गेस्टेड रैंक के ऑफिसर मिस्टर नीरज जो एसडीपीओ मेंढर हैं जो ऑपरेशन में एक्टिव पार्ट ले रहे थे वो करेंगे और फर्दर मोर जो भी इन्वेस्टिगेशन के हमारे आगे जो उसके फाइंडिंग्स होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे फिलहाल अभी हमारे नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट की कोई भी तक वैसे हमारे पास खबर नहीं आई सर ये किस संगठन की इनका बेसिकली सबसे प्राइमा फेसे जो इस्टेब्लिश हो पाया है और अभी शुरुआती तहकीक के हिसाब से ये लश्कर मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए थे जिनका काम यहाँ से वैली की तरफ हथियार ले जाना था तो सर पुंछ में ये जिस तरीके से रिकवरी हुई है और ये असला और बारूद इनके पास से रिकवर हुआ है उसके चलते हमने कुछ इनपुट्स पर अपने ऑप्स लॉन्च किए थे और अभी भी सिख सेक्टर के एसोसिएशन में हमारी डिफरेंट ऑप्स जारी हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं अगर फर्दर हमें कोई लीड मिलती है या तो कोई अगर फाइंडिंग होती है तो हम देखेंगे पूरे एरिया को कॉम किया जा रहा है तो प्राइमरी इंट्रोगेशन में ऐसा कुछ नहीं इस्टेब्लिश हो पाया है अभी तक हम इसको महदूद रखेंगे मिलिटेंट मॉड्यूल तक ही कि जो कि हथियार पहुँचाने वाला काम कर रहे थे तो आगे अगर कोई हमें उसमें लीड मिलती है क्योंकि वी हैव नॉट लोअर्ड आवर गार्ड्स आर्मी की पार्टीज़ और हमारी एसओजी की पार्टीज़ हर नाका पॉइंट्स पर लगी हुई हैं और हर गाड़ी को स्कैन कर रहे हैं और हर तरीके से तलाशी जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन वो जारी है तो वी आर नॉट गिविंग क्लीन चिट बट यस प्राइवेट फैसी जो इस्टेब्लिश हुआ है तो फिलहाल ये यहीं तक उसको हमने महदूद रखा सर ये भी हो सकता है एसोसिएट्स तो हैं और इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं कि मिलिटेंसी में किस हद तक हैं वो भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो फिलहाल तो ये वेपन के साथ मिले हैं दैट इज़ अ मिलिटेंट एक्ट तो उसमें हम आगे भी देख रहे हैं कि इनका पहला एक्ट था या इसके पहले ये कुछ ऐसा कर चुके हैं क्योंकि ये कश्मीर के रहने वाले हैं और वहाँ भी हम उनके साथ टच में हैं लोकल पुलिस से जो कि हमें फर्दर कोलैबोरेट करेंगे कि इनकी और वहाँ पे गतिविधियाँ क्या रही हैं क्या क्या कार्रवाइयाँ इन्होंने वहाँ पर अंजाम दी हैं तो हम देखेंगे लेकिन फिलहाल तो यही इस्टेब्लिश हुआ है कार्रवाई कोई नहीं थी यहाँ से इनको खाली हथियार ले जाना कश्मीर में और वही मोटिव हम इस्टेब्लिश कर पाए हैं इनका तो पीछे आ जाओ ना पीछे तो पीछे थोड़ा पीछे आगे चले जाना जी भी थोड़ा पीछे जी
Thank you.